हमेशा हमें इजलास में बुलाते हो, हम आते हमारे लिए कुछ सोचा गए तभी ना था क्यों यदि कोई अख्तियार आते कौन अंत बस चाहिए ना था हां सर में जो मुलाजिम है वो तमाम डिपार्टमेंट में कब्जा करके बैठा हुआ है। हालांकि दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीए शहर टाउन के इजलास में, जहाँ पर अरकान इलाके में जारी तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर करप्शन, गैरकानूनी तौर पर वसूल करदा टैक्स और दीगर मामलात के हवाले से इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइए चल के देखते हैं कि उनके क्या खदशात हैं और वो क्या चाहते हैं। मेरे साथ रहिए। तकरीबन जो है हमने 7 से 8 यूसियां जो है ना अभी कंप्लीट किए, सर्वे जो मुकम्मल किए हैं। तादाद क्या बने दुकान की? टोटल जो है इस टाइम हमारे पास जो आई है तकरीबन 3,000 के करीब जो हमने सर्वे किया है। एक से लेके कहाँ तक की आपने? 7 यूसियां कम से कम 1500-2000 इस तरीके से सर्वे कर रहे हैं। भांडो खुलो सजेशन दिनी चाइना तालो जद कम ही ना क्यों जद कोई अख्तियार दुकान के चेयरमैन हमारे बने साईं फरहान शाह साहब को 6 दिन एप्लीकेशन दी थी जिसमें हमने कुछ तहफ़ुज़ात पेश किए थे अपने कि हमारे टाउन में बेकायदगी हो रही है, टाउन की तफसील रेस्की सरेंडर हाउस और यहाँ के ठेकेदार हैं जो उनकी मतलब काम की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, उस बारे में हमें इसमें तमाम मेम्बरान को अपने इतमाद में ले जाए कि आया इस तरह क्यों हो रहा है। तो आज हमने कमेटी का मुतालबा किया है तो जिस पे चेयरमैन साहब ने जिससे हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है और कमेटी को मंजूरी का ऐलान कर दिया है। तो इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन ये कमेटियाँ बनेंगी, मजीद जो है कमेटियों के बाद सब कुछ सामने आएगा कि ऐसा हुआ क्यों और क्यों हो रहा है। 42,000 ठीक है ना, 4,42,000 अगर तांग्यो तो 100-150 से पानी भी नहीं, ठीक है ना। उनमें जो का ब्याह जे नताव चंदा बेचारा मिसकीन है, ताऊ जब इंशाल्लाह बेचारा कनेक्शन करो 15-15 पर बैठी है, उन्हें मीटिंग के लिए कि या 500 मां भी दया होगा। हमारे यहाँ कमेटियाँ तकसीम की जाए, टैक्स ब्रांच में है, इंक्रोचमेंट में है, ताकि कहाँ से कौन से यूसी से कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसके लिए जो है हमने तजवीज़ दी है। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने ये हिदायत की है कि आप जो है कमेटियाँ आपस में बैठ कर मेम्बर बनाएं, बनाने के बाद जो है इंशाल्लाह इसको पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसके बाद हम कमेटी के मेम्बर जो है इस टाउन के स्टाफ के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हमें भी नॉलेज होगी कि टाउन में हमारी आमदनी क्या हो रही है और किस जगह पर खर्च हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है ना, खालिद भाई वो खालिद भाई इंक्वायरी करे उनको पीपल्स पार्टी का पार्ट बनाया गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, तो उसके लिए 1 साल हो गया क्या किया गया? आप लोग हमेशा हमें इजलास में बुलाते हो, हम आते हमारे लिए कुछ सोचा गया है? छोने इजलास सर असा पार्ट आयो पीपल्स पार्टी जा असा जे पार्ट कयो कयो उन के भी असा चई 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 जडे भी इंशाल्लाह तरह तरह काम कंदा थे ना सर हन एडा भी नवा ना नवा ना नवा तरसा आयो वाइस सर आया था नवा मेहरबानी करे वाइस सर दो बिल्कुल भी सारी कम्युनिटी के हमसे उम्मीदें जुड़ी है मैडम, हमारी कम्युनिटी की हमसे उम्मीदें जुड़ी है कि हम पीपल्स पार्टी का पार्ट बने, तो उसके लिए क्या किया जाए? 1 साल गुजर गया यकीन जाने कोई ऐसा ठेका कोई ऐसा सिस्टम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिस तरह ट्रांसजेंडर को फैसिलिटेट किया जाए। सबसे पहले जो हमने बताया है हमने कहा कि भाई आपकी अगर सीट खाली है चेयरमैन की, जब आपका आउटसाइडर एक दूसरे डिपार्टमेंट का मुलाजिम जो हेल्थ का है 3 स्किल का है 2 स्किल वो चला रहा है, तो मैं अपने दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ तो एक करारदाद पास कर उसको बिठा दें सीट पे चेयरमैन की ताकि वो चलाए, क्योंकि यहाँ जो भी काम है एक 2 ग्रेड का ऑफिसर 16 स्किल के अफसरान को अपने मेम्बरान को और टाउन के चेयरमैन को वो चला रहा है, तो ये हमारे पूरे शहर में इतनी बदनामी चल रही है। आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ ये पूछा जाता है कि टाउन जी शाह को एक आउटसाइडर जो है किसी दूसरे डिपार्टमेंट का 2 या 3 स्किल का मुलाजिम वो चला रहे, तो मेरा पहले तो ये दाम खत्म की जाए या तो इतना वो काबिल है तो उसको बिठाएं,
एक ये बात हुई। दूसरी बात हुई, जब बजट पास हुआ था तो उसमें मैंने पिछली दफ़ा आपने यूनानी मसीह जो पास हुआ था ये शर्त के साथ हुआ था कि इसको अमेंडमेंट करके हम पास करेंगे और सही बजट करके अगर उसी कापी देंगे। उसके 5-6 महीने गुजरने के बाद अभी तक वो कापी नहीं मिली, न वो मिनट्स मिले। तो इसके लिए कहा दूसरा ये हमने बल्कि असर मशहूर जो मुलाजिम है वो उस तमाम डिपार्टमेंट में कब्जा करके बैठा हुआ है। अल्लाह ताला हम वाइस चेयर में जिन लोगों ने हमने अपने लोगों से अपने गरीबों से आवाम से जो हमने वोट लिए हैं अल्लाह ताला उसके सुरखुरु कर दे, हमें कुछ नहीं हम कम से कम गरीबों के काम आ सकें, फायदा दे सकें, पैसों से नहीं एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे का एहतराम करें और अल्लाह ताला हमें करप्शन के और हराम के पैसों से बचाए, हक हलाल के खाएं, एक दूसरे की इज्जत करें, स्टाफ हमारी इज्जत करें, हम उनकी इज्जत करें। हमारे चैनल मीडिया पॉइंट 071 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071, सखर।